नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश में बहने वाली पौराणिक गोमती नदी के किनारे बसे सुल्तानपुर जिले में ले जाने वाली हूँ। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का वो जिला है जहाँ वनगमन के दौरान भगवान राम ने अपना कुछ समय बिताया था और बाद में श्री राम के पुत्र कुश ने इसे कुसापुर के नाम से बसाया था। अपनी इस यात्रा में मैं आपको सुल्तानपुर के रहने वाले मोहम्मद अशफाक अहमद से मिलवाने वाली हूँ। मोहम्मद अशफाक अहमद जी काफी लंबे समय से किडनी रोग से जूझ रहे थे। किडनी से जुड़ी इस गंभीर समस्या के कारण डॉक्टर ने इन्हें जवाब दे दिया था कि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इस गंभीर रोग को हरा दिया। मोहम्मद अशफाक अहमद जी ने आखिर कैसे इस गंभीर रोग को हराया, इस बात को जानने के लिए चलिए मैं आपको ले चलती हूँ कुसापुर यानी सुल्तानपुर, और सबसे पहले मिलते हैं मोहम्मद अशफाक अहमद जी से। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशफाक अहमद है, मैं सुल्तानपुर यूपी से यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी एज 30 ईयर है और मैं कंप्यूटर हार्डवेयर और जो है मोबाइल हार्डवेयर करता हूँ, रिपेयर करता हूँ। मोहम्मद अशफाक अहमद जी प्रोटीन लॉस की समस्या से जूझ रहे थे जिसके बारे में उन्हें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाकर पता चला और उसके बाद स्टेरॉइड से उनको ठीक करने की कोशिश की गई। इस बारे में अशफाक जी का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। नहीं, 20 मिलीग्राम जब स्टेरॉइड चलाए तो फिर उसके बाद जब दूसरे मंथ दिखाने उनको गए तो 50 मिलीग्राम वो चला दिए। 50 मिलीग्राम चलाने के बाद मेरी कंडीशन एकदम ख़राब हो गई, मेरा हाथ मेरा पैर सब भूल गया, एकदम सूजन बढ़ती चली गई, सूजन उतरी नहीं रही है। तो जवाब दे दिए कि दूसरे हॉस्पिटल में जाओ, फला हॉस्पिटल में रिफ़र कर दिए कि यहाँ पे जाओ, इस डॉक्टर इन डॉक्टर को दिखाओ। तो वहाँ पे गया तो वो डॉक्टर भर्ती नहीं ले रहे थे, तो फिर बहुत कहने पे सुनने पे लिए, तो वो अपना ट्रीटमेंट चालू किए। एक साल ट्रीटमेंट लिया वहाँ का, लेकिन कोई रिलीफ नहीं। फिर इंजेक्शन के लिए बोले, इंजेक्शन से वो भी बोले कि बेटा इसमें कोई इलाज नहीं, इसका सिर्फ इंजेक्शन एक ही सहारा है और कोई दवा चला नहीं सकते। तो इंजेक्शन काफ़ी महंगा था, करीब उसमें जो है 5 लाख रुपए के लमसम लग जाता, सब ट्रीटमेंट अस्पताल का लेके, और जो है वो करीब 2 लाख रुपए इंजेक्शन का बताए थे और जो है उसका जो दवा वगैरह हर चीज़ वगैरह 5 लाख रुपए कम से कम बताए थे कि 5 लाख रुपए में आपका जो है इलाज हो पाएगा। तो मैं वहाँ से आया, मेरे दोस्तों ने कहा नहीं, वो नहीं कराना है। मोहम्मद अशफाक किडनी की समस्या से जूझने के दौरान कई शारीरिक समस्याओं से तो जूझ ही रहे थे, लेकिन इस दौरान वो मानसिक रूप से भी काफी टूट चुके थे क्योंकि उन्हें अपनी हर छोटी जरूरत के लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ रहा था। चलिए जानते हैं आखिर उन्हें क्या समस्याएं हो रही थी। हो गई थी कि जो है मैं एक बेड से दूसरे बेड पे नहीं जा पा रहा था, और लेकिन मेरे भाई वगैरह इधर से उधर लेके जाते थे। मैं एक बेड से दूसरे बेड जाने के लिए जो है रोता था, आदमी को चलता था तो आदमी देखता था तो उसको रोता था मैं बैठ के कि आदमी कैसे चल ले रहा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। और जो है मैं कहीं भी जाना हो, चाहे वो दूसरी जगह चेंज करनी हो या लैट्रिन पेशाब जाना हो, तो मैं दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। हमको भाई वगैरह कि आ जाएं अभी, फिर वहाँ पे लेके जाएंगे, बहुत ढेर सारी दिक्कत हो गई थी। और एक दिक्कत और भी थी कि मैं अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पा रहा था, यहाँ तक कि रोटी भी नहीं तोड़ पा रहा था। तो मेरे अम्मी, मेरे भाई, मेरे बहन सब लोग हमको जो है रोटी तोड़ तोड़ के खिलाते थे, चम्मच से खाना खिलाते थे। मैं चम्मच भी नहीं उठा पा रहा था उस टाइम पर कि चम्मच से उठा के खाना खा लूँ। बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था और वो ये बोले थे कि जो है आप कभी चल नहीं सकते, आपको स्ट्रेचर और व्हील चेयर लेनी पड़ेगी हमेशा। एक तरफ तो मोहम्मद अशफाक एक गंभीर समस्या से जूझ रहे थे, साथ ही उन्हें शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था। इस दौरान इनका जीवन एकदम बदल चुका था। एक तरफ इनके जीवन में चल रही उथल पुथल को ये समझ ही रहे थे कि एलोपैथिक डॉक्टर ने इन्हें किडनी ठीक करने के लिए लाखों का खर्चा बता दिया, जिसके कारण ये एक बार फिर से परेशान हो गए थे। तो इंजेक्शन काफ़ी महंगा था, करीब उसमें जो है 5 लाख रुपए के लमसम लग जाता, सब ट्रीटमेंट अस्पताल का लेके, और जो है
वो करीब 2 लाख रुपए इंजेक्शन का बताए थे, और जो है उसका जो दवा वगैरह हर चीज़ वगैरह 5 लाख रुपए कम से कम बताए थे कि 5 लाख रुपए में आपका जो है इलाज हो पाएगा। तो मैं वहाँ से आया, मेरे दोस्तों ने कहा नहीं वो नहीं कराना है। किडनी रोग से छुटकारा पाने के लिए इतना महंगा खर्चा सुनकर मोहम्मद अशफाक काफी सदमे में थे। वो इतने ज्यादा खर्च को सुनकर टूट चुके थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था, और वो ये बोले थे कि जो है आप कभी चल नहीं सकते, आपको स्ट्रेचर और व्हील चेयर लेनी पड़ेगी, हमेशा जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। एकदम मैं इस कंडीशन से गुजरा हूँ कि मैं सोचता था कि मैं जो है मेरी मौत की नहीं हो जा रही है, इतना ज़्यादा जो है मैं इतना ज़्यादा वो जो है हो गया था, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला सब दरवाजे बंद कर देता है तो वो एक दरवाजा जरूर खोलता है जिससे अंधेरे से बाहर निकला जा सकता है। मोहम्मद अशफाक अहमद के लिए भी भगवान ने एक दरवाजा खोला और अशफाक ने उस दरवाजे की ओर चलते हुए अंधकार भरे जीवन से अपने आप को बाहर निकाल लिया। डॉक्टर पुनीत धवन का जब देखा तो यहाँ पे आया, मुझे भरोसा नहीं होता था क्योंकि डॉक्टर लोग मना करते थे कि आयुर्वेदिक दवा मत खाओ। इससे पहले मैं आयुर्वेदिक दवा कर चुका था काफ़ी, लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। मेरे घर वालों ने तो मतलब फिर बोले कि नहीं आप जो है एक बार सर को दिखा लो, अगर नहीं आराम मिलेगा 1 महीने के बाद इंजेक्शन लगा लेना। सर के बारे में मैं यूट्यूब में पहले एक आदमी से सुना था, फिर उसके बाद जो है यूट्यूब में देखा, सारा देखता रहा, कई काफ़ी दिन से सर के बारे में जानता था। तो जो है मैं बोला ठीक है, तो ये लोग अपना लेके आए। मैं आने के कंडीशन में नहीं था उस टाइम मैडम, लेकिन वो लोग किसी तरह 3-4 लोग अपना लेके आए कंधे को उठा के। तो डॉक्टर बोले कुछ नहीं, जो है आराम हो जाएगा। मोहम्मद अशफाक अहमद ने बड़ी उम्मीद के साथ कर्मा आयुर्वेदा के डॉक्टर पुनीत से अपनी खराब होती किडनी को ठीक करने के आयुर्वेदिक उपचार लेना शुरू किए। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब उन्हें इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। हम यानी कर्मा आयुर्वेदा मोहम्मद अशफाक अहमद की उम्मीदों पर खरा उतरे और मात्र 10 दिनों में ही इन्हें आराम मिलना शुरू हो गया। 10 दिन के बाद हमको खुद ही लगा, जो है सर का ट्रीटमेंट लेने के 10 दिन बाद हमको खुद ही लगा कि कुछ एनर्जी आ रही है हमारे बदन में। फिर धीरे धीरे जो है जैसे सर बताए थे वैसे फॉलो करता रहा, डाइट वगैरह योगा वगैरह जो भी बताए थे मैं फॉलो करता रहा। सर की दवा लेने के बाद हमें बहुत रिलीफ मिला, वो हम खुद ही जान सकते हैं कैसे हमें रिलीफ मिला जो है। मुझे लगता है कि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, ये लाजमी भी है। चलिए कोई बात नहीं, रिपोर्ट्स देखने के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा कि आखिर कैसे डॉक्टर पुनीत की दी हुई आयुर्वेदिक दवाइयों से मोहम्मद अशफाक अहमद को प्रोटीन लॉस की जानलेवा समस्या में आराम मिला। ये मेरी रिपोर्ट है 13 मार्च 2019 की, इसमें प्रोटीन आती थी 500 मिलीग्राम, और अभी मैं लेटेस्ट रिपोर्ट कराया हूँ जिसमें प्रोटीन्स मेरी है निगेटिव, एकदम नील। इसकी तारीख है 25/11/2020 की, जो है काफ़ी हद तक रिलीफ हुआ। आज मैं जो है पहले तो मैं इम्प्रूव हुआ, अब फिर मैं वाकर लेके चला, फिर आज मैं स्टिक लेके चल रहा हूँ, स्टिक भी छोड़ के चल लेता हूँ जो है थोड़ा बहुत। और जो है सर बोले हैं कि थोड़ा ट्रीटमेंट कराओ एकदम ठीक हो जाओगे, तो मुझे विश्वास है मैं ठीक हो जाऊँगा, जो है इसका भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा। मोहम्मद अशफाक अहमद के लिए अकेले इस गंभीर और जानलेवा समस्या से लड़ पाना मुश्किल था। जिस समय वो शारीरिक और मानसिक समस्या से जूझ रहे थे उस समय इनके परिवार ने इनका बहुत साथ दिया। मेरे घर वालों ने, मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया, और अल्लाह करे सबको ऐसे भाई, ऐसे बहन और ऐसे माँ बाप सबको मिले जो है
हर चीज़ सोच के रोता था मैडम कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये होते तो ऐसा ना होता। अब्बू के बारे में सोच के रोता था कि अब्बू होते तो ऐसा ना होता मेरे साथ, आज ऐसा 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 होता ही नहीं है, बीमारी ना पड़ता, जो है हर चीज़ सोचता हूँ मैडम। आखिर परिवार और दोस्त ही होते हैं जो हर समय हमारे साथ खड़े मिलते हैं। सही में परिवार की अहमियत को केवल समझा जा सकता है, उसे कभी भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आखिरकार मोहम्मद अशफाक अहमद को आयुर्वेदिक दवाइयों से सभी समस्याओं से छुटकारा मिल गया और आखिरकार अब वो चल पा रहे हैं। एक समय वो था जब वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे और अब वो अपने सभी काम खुद कर पा रहे हैं। तो, मैं कहना चाहूँगा कि दूसरे पेशेंट से कि आप यहाँ पे आएं और कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लें, और यहाँ पे शिफा है, यहाँ के इलाज में शिफा है। और हमें देख रहे हैं, हम एकदम चल नहीं पाते थे, आज मैं चल ले रहा हूँ। मैं जितने भी पेशेंट हूँ, मैं किसी को भी देखता हूँ तो यही राय देता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ, सर से मिलें और फ़ोन नंबर उनका लें, फ़ोन करें और सर को दिखाएं, इनका ट्रीटमेंट लें। और उनको समझाता भी हूँ कि जो है यहाँ का इलाज से आपको शिफा मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। जो है मैं डॉक्टर पुनीत धवन को खुदा का दर्जा तो नहीं दे सकता, लेकिन उनसे कम भी नहीं है, इनके हाथ में शिफा है। मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ से ट्रीटमेंट लें, आपको यहाँ पर शिफा मिलेगा। अल्लाह का अगर जो है साथ होगा तो यहाँ पर शिफा आपको मिलेगा। डॉक्टर पुनीत धवन को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह अल्लाह पाक उनको जो है उनके हाथ में शिफा हमेशा के लिए रखे रहें और जो है बरकरार रखे रहें, और जितने भी पेशेंट आएँ उनको शिफा इसी तरह मिलता है।